कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने अब कहा कि चाहे जनता को महंगाई बेरोजगारी कितना भी तड़पाए, लेकिन सूट बूट सरकार का एक ही टारगेट मित्रों की तिजोरी भरती जाए। जी हाँ, राहुल गांधी ने गुरुवार को ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, गरीब वर्ग की आमदनी 50% घटी, मिडिल क्लास की 10% तक गिरी, अमीर वर्ग 40% बढ़ी। चाहे जनता को महंगाई बेरोजगारी कितना भी तड़पाए, सूट बूट सरकार का एक ही टारगेट मित्रों की तिजोरी भरती जाए। राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट में ग्राफिक्स भी शेयर किया, जिसमें बताया गया कि साल 2016 से 2021 तक गरीब वर्ग मिडिल क्लास की आमदनी कितनी घटी है। इसके साथ ही ये भी बताया कि इस समय के दौरान अमीर वर्ग और कितना अमीर हुआ। इस ग्राफिक्स में ये बताया गया कि साल 2016 से 2021 तक गरीब वर्ग की आमदनी 50% तक घट गई है, वहीं लोअर मिडिल क्लास की आमदनी 30% तक गिरी है, मिडिल क्लास की आमदनी 10% तक गिर गई। वहीं इस ग्राफिक्स के जरिए ये भी बताया गया कि अमीर वर्ग की आमदनी 40% तक बढ़ गई है। गौरतलब है कि राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। हाल ही में उन्होंने महंगाई का मुद्दा भी उठाया था। ट्वीट के जरिए राहुल गांधी ने कहा था, महंगाई कम होगी भी कैसे, जनता का दर्द दिखेगा भी कैसे, सरकार का पूरा ध्यान अडानी की आमदनी बढ़ाने और उसे जांच से बचाने पर जो है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में 2013 और 2023 के बीच महंगाई की तुलना करते हुए आंकड़े जारी किए थे। उन्होंने रोजमर्रा की चीजों की तुलना की। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में बताया कि पिछले 10 सालों में आटा के दामों में 110% की बढ़ोतरी हुई, चावल के दाम 137% बढ़े, दूध के दाम 69% बढ़ गए, सरसों के तेल में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी 188% की हुई। इसी के साथ गैस सिलेंडर में 169% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं राहुल गांधी के इस ट्वीट पर एक यूजर ने लिखा, एक ग्राफ टेबल 2004 से 2014 तक बढ़ी महंगाई पर भी ट्वीट कर देते। आपको बता दें कि 2004 से 2014 तक देश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी। इस यूजर ने यह भी कहा कि खुद की आमदनी भी बता दो, ताकि पता तो चले महंगाई के अनुपात में ही बढ़ रही है या फिर उससे ज्यादा। इसके अलावा एक और यूजर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए लिखा था, कांग्रेस ने जो भी रेट बताए वो सब गलत है, मैं भी व्यापारी आदमी हूँ, ये सब चीजों की मुझे भी जरूरत पड़ती है, क्या भाव चल रहा है मार्केट में ये सब मुझे भी पता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।